Assalamualaikum students. आज हम क्लास 8 के लिए करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए. तो यहाँ पे हम आज इसका पहला ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं. पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ए मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी. If his new salary is ₹1,54,000, find his original salary. यहाँ पे हमें इंक्रीज होने के बाद वाला सैलरी दिया हुआ है. पहले वाला इंक्रीज से पहले वाला सैलरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है भाई इसके ओरिजिनल सैलरी पे 10% बढ़ने से उसका सैलरी जो है 1,54,000 हुआ है. तो हमें यहाँ पे देखना है कि बढ़ने से पहले इंक्रीज होने से पहले उसका सैलरी क्या था. तो हमें फिलहाल उसके बारे में पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द मैन हम रखेंगे ₹X. ठीक है जो, अब उसका बढ़ने से पहले जो सैलरी आपके पास ₹X है. अब हमारी क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई उसके ओरिजिनल सैलरी पे 10% इंक्रीज होने के बाद आपका उसका सैलरी जो है हमारे पास 1,54,000 हुआ है. तो हम कहेंगे नाउ एक्स उसका ओरिजिनल सैलरी था, उसके ऊपर प्लस करना पड़ेगा 10%. किसका 10%, एक्स का 10%, जो मेरे पास 1,54,000 रुपीज के बराबर बना है. ठीक है जो, अब यहाँ पे x प्लस 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,54,000 रुपीज आपके पास बना. तो 10 ones are 10, 10 tens are 100 हुआ. यहाँ पे 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 14000 आपके पास आया. यहाँ पे आया 11x इज इक्वल टू 154000 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आया. एक्स इज इक्वल टू 154000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय आपके पास 11 आया. 11 कितने जा 154 हो जाते हैं, 11 14 जा और 3 जीरो यहाँ पे आया. एक्स इज इक्वल टू 14000 और 0 आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया. तो हमें इसका x का वैल्यू पता चला. तो हमने x रखा था इसका ओरिजिनल सैलरी. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हेंस द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द मैन इज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज था. बढ़ने से पहले 10% बढ़ने से पहले उसका जो सैलरी था 1,40,000 रुपीज था. तो ये आपके पास इसका पहला क्वेश्चन हुआ. फिर इसके बाद हम करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन. तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट. व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे. हमारे पास यहाँ पे कहते हैं कि भाई संडे की दिन आपके पास 845 पीपल जो है विजिट कर रहा है जू में, और दूसरे दिन जो मंडे को है सिर्फ आपके पास 169 पीपल जो है विजिट कर पाते हैं. तो हमें देखना है इसमें जो कमी हो गई संडे और मंडे के बीच में जो नंबर ऑफ पीपल्स की कमी हो गई उसको कितने परसेंट से हमें कम हो रहा है उसको हमें दिखाना है. तो हम इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे, नंबर ऑफ पीपल विजिट द जू ऑन संडे. संडे की दिन कितना हुआ, वो 845 पीपल्स. ठीक है जो, अब नंबर ऑफ पीपल विजिट द जू ऑन मंडे. मंडे को कितना हो रहा है, 169 हो रहा है. अब यहां पे हमें कम कितना हुआ वो पता करना है. तो आपके पास नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज
इज इक्वल टू, इनमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, वो हो गया आपके पास 676 आ गए आपके पास, ठीक है जो। अब हमें निकालना है परसेंटेज, डिक्रीजिंग परसेंटेज, डिक्रीजिंग परसेंटेज आपके पास 676 डिवाइड बाय कितने में से कम हो गया 845 में से, और आपके पास आया 100, ठीक है जो। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 5 5 6 35 9 यहाँ पे 5 20, और आपके पास 169 1 169 169 4 आपके पास हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया 4 × 20 आया, तो मेरे पास वो 80% आया। इसका मतलब संडे और मंडे के बीच में जो डिक्रीज हुआ, कम हुआ 676 जो है, वो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो वो 80% के हिसाब से कम हो रहा है मंडे और संडे के दिन में जो विजिटर्स है जू के लिए। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं ए शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल फॉर रुपीज 2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक शॉपकीपर जो है कुल 80 आर्टिकल्स जो है सबों के बीच में 2400 रुपीज दे के खरीद के लाता है, फिर इसके बाद वो चाहता है कि आपके पास 16% प्रॉफिट लेके एक आर्टिकल को मैं बेच दूं, एक एक आर्टिकल करके 16% प्रॉफिट पे बेच दूं। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि वो कितने में बेचेगा एक आर्टिकल को। अब यहाँ पे हमारे पास है सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू आपके पास है वो है 2400 रुपीज। तो यहाँ पे देयरफॉर सीपी ऑफ एन आर्टिकल वो हो गया आपके पास 2400 डिवाइडेड बाय 80, यहाँ पे कम हुआ 1 3 0 आपके पास आया 30 रुपीज एक आर्टिकल का कीमत बना, ठीक है जो। अब यहाँ पे हमारे पास एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अब है, तो इन्होंने क्या कहा था कि 16% प्रॉफिट लेके एक आर्टिकल को बेच देगा, तो जो प्रॉफिट वो लेगा आपके पास कितना 16% पर आर्टिकल पे लेगा। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू मीन 16% कितने के बराबर बनता है वो हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो वैल्यू बनेगा 16% किसका, 16% 30 रुपीज का, तो 1010 कट हो गया, 16 3 48 डिवाइडेड बाय 10 हो गए, वो मेरे पास 4.80 रुपीज हो गया, ये आपके पास हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट हमें पता चला है जो वो कितना लेके भेजेगा, जो उसके कॉस्ट प्राइस पे वो 4 रुपीज 80 पैसा एक्स्ट्रा लेके भेजेगा ताकि वो 16% प्रॉफिट कमा सके। तो हमारे पास हेंस एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू वो कितना बना 30 + 4.80, वो बना 34.80 रुपीस, ये आपके पास इस तरह आया। अगर उसने 30 रुपीस में एक आर्टिकल को खरीदा है और 16% प्रॉफिट लेना चाहता है एक आर्टिकल पे, वो उसको कितने में भेजेगा 34 रुपीस 80 पैसे में भेजेगा एक आर्टिकल की कीमत देके, तो वो कुल टोटल ट्रांजेक्शन में 16% प्रॉफिट कमा सकेगा, ठीक है जो। ये आपके पास हो गया तीसरा क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज वॉस रुपीज 15,500, रुपीज 450 वेयर स्पेंडिंग ऑन इट इज रिपेयर, इफ इट इज सोल्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ 15% फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे मिसाल के तौर आपने बाजार से कोई चीज खरीदी, मिसाल के तौर आप ये किस तरह हम इसको कहेंगे कि आपने अपने दोस्त से एक मोबाइल खरीदा, उसने आपको ये दिया 15,500 में दिया, आपने उसको पेमेंट करके लेके आया मोबाइल, घर पे आया तो थोड़ा सा उसमें फॉल्ट थे, तो आपने क्या किया उसको बाजार में रिपेयर करने के लिए दिया,
तो जो रिपेयर करने वाले बंदे हैं उसने आपसे उसको रिपेयर करने के लिए 450 रुपीस लिया, तो हुआ क्या, आपके जेब से कितना पैसा चला गया? जब मोबाइल खरीद रहे थे तो आपने उसको 15,500 रुपीस दिया, फिर इसके बाद उसको रिपेयरिंग करने के लिए आपने कितने दिए, आपने 450 रुपीस दिया। ऐसे को बोलता है, जब हमने क्वेश्चन जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे वहां पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस के बारे में हमने आपके पास ओवरहेड एक्सपेंस के बारे में हमने बताया था, वही चीज यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास सीपी ऑफ एन आर्टिकल कितना है, 15,500 रुपीस है, ये हो गया आपके पास, ठीक है। जो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिपेयर में आपने कितना दिया, 450 रुपीस दिया, देयरफॉर न्यू सीपी, जो न्यू सीपी बना आपके पास वो बना 15,500 प्लस 450, वो बना आपके पास 15,950 रुपीस, आपका नया सीपी बना, ठीक है। जो अब आपने सोचा कि भाई इसको 15% प्रॉफिट पे बेच दूं, तो प्रॉफिट आपके पास कितना है, प्रॉफिट आपके पास है वो है आपके पास कितना, 15%। तो हम इसका वैल्यू पता करेंगे, वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 100 इनटू आपके पास 15950, 1010 कैंसल हो गए। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करें, 1595 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें, 25 2 45 47 4 25 29 2 5 0 2 7 यहाँ पे 5 9 5 और 1 यहाँ पे 5 12 18 19 1 आपके पास 13 और 2 आपके पास, तो यहाँ पे आया 2 3 9 2 5 डिवाइडेड बाय 10 तो वो आपके पास आया 2,392.50 पैसा आपके पास, इतना आपके पास 15% जो है प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास आप कितने में भेजेंगे, आप भेजेंगे नदर फॉर द एसपी, एसपी मेरे पास क्या बना, मेरे पास मैंने खरीदा था 15,950 में प्लस 2,392.50, तो मेरे पास आया 50 यहाँ पे 2 14 1 केरी 10 13 1 केरी 6 8 आपके पास 1, आप करेंगे इसको 18,342.50 में इसको सोल्ड कर देगा 15% प्रॉफिट लेने के बाद। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, तो यहीं पे हम आज इस क्लास को खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास और 3-4 क्वेश्चन जो है लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए वस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।